on watching coopercity.com and this is day 3 of our magic classes, so let's begin. Coopercific. हेलो फ्रेंड्स, तो आज डे 3 में हम आपको पत्तियां बनाना सिखाएंगे और ये पत्तियां आपको हो सकता है थोड़ी सी कठिन लगे, इसलिए आप पेंसिल से पहले चित्र बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की पहली पत्ती है हमारी सिंपल सी। तो हम अब सबसे पहले एक पत्ती सिंपल सी बनाएंगे। इस पत्ती के बीच से हम एक और लाइन खींच के फिर पतली पतली लाइनों से इसको भर देंगे। इस पत्ती में हम बहुत सारी डिजाइनें अंदर से फिल कर सकते हैं। आगे आपको जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन पत्तियों को हम और भी अच्छी डिजाइनों में भर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपनी सेकंड डिजाइन बनाएंगे जो इसी पत्ती से बनी हुई है। इसी पत्ती को जोड़ के तीन पत्तियों से जोड़ के हम एक नई पत्ती बनाएंगे। तो ये हमारी दो पत्तियां तैयार हो गई। अब इन दोनों के बीच से एक पत्ती और ले जाएंगे। तो इस तरह हमारी ये एक नई पत्ती की डिजाइन बन गई है। इसको भी अंदर हम बिल्कुल पहली पत्ती की तरह ही भर देंगे। लाइनें हमें बारीकी से और पास पास करनी है, नीचे से ऊपर की साइड ले जानी है ये बारीक लाइन। मेहंदी डिजाइन में ये पत्तियां बहुत ही सुंदर लगती हैं। जब हम इसको फूल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत खूबसूरत ये लगती है। अब अगली डिजाइन जो हम बनाएंगे वो छोटी छोटी पत्तियों से बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और उसके करीब से पास से हम लाइन ले जाएंगे जो कि ऊपर जाके वो लाइन दोनों आपस में मिल जाती है। अब छोटी छोटी सी पत्तियां हम बनाएंगे। ये पत्तियां समान दूरी पे हमको बनानी है और ऊपर से जब नीचे से जब ऊपर जो पत्तियां जाती हैं वो धीरे धीरे छोटे आकार की होती जाती हैं। तो इस तरह हमें दोनों साइड ये छोटी छोटी पत्तियां बनानी है। अब इन पत्तियों को हम पूरा मेहंदी से ही भरेंगे। अब हमारी जो अगली पत्ती है उसमें बहुत कर्व है। अब बीच से हम लाइन ले जाएंगे। मेहंदी डिजाइन में ये पत्ती भी बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ मैंने सिंपल अभी क्योंकि अपना डे 3 है अभी इतना हाथ परफेक्ट नहीं चल रहा है शुरुआत में, इसलिए जो नए सीख रहे हैं उनके लिए
सिंपल डिजाइन है ये। तो इस तरह हमारी ये चौथी डिजाइन भी कंप्लीट हो गई है। हमको इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम एक पान बनाएंगे। इसमें भी हमने सीधा सिंपल पान नहीं बनाया, थोड़ा कर्व दिया हुआ है। अब इस पान को भी हम डिजाइन से कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम बारीक बारीक डिजाइन भरेंगे। सबसे पहले एक हम हाफ सर्कल गोल बनाते हैं अंदर। छोटी छोटी बिंदियों से एक फूल बन गया ये आपका। अब बारीकी से हमने एक लाइन खींची और उसके बाद फिर हम एक लाइन खींचेंगे। पान में आप बहुत सारी डिजाइने और भी तरह तरह से फिल कर सकते हैं। अब अगली डिजाइन जो हम बनाएंगे वो एस पहले बनाएंगे हम। ये एस कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये कम गहराई लिया हुआ एस बनाना, ना कि इस टाइप का एस। तो अब हम एस बनाएंगे। अब एस के दोनों सिरों को जोड़ते हुए पतली सी एक पत्ती बनाएंगे। पत्ती हमारी मेहंदी में बहुत जगह यूज होती है। अब इसके सजावट के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए हम कुछ और डिजाइन इसके साथ साथ बना रहे हैं। जी पत्ती बनाइए, इसको हम क्रॉस से भरेंगे। डिजाइनों में एस कॉमन, इसलिए फिर से हम एस बना रहे हैं। और अब की बार जो पत्ती बनाएंगे वो बहुत सारे कर्व लिए होगी। तो इस तरह हमने एक साइड से ये पत्ती बना ली है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पत्ती को बनाएंगे। बीच से लाइन देना जरूरी है, इससे पत्ती की खूबसूरती बढ़ती है।
कुर्ती को हम बाद में सेट देंगे। अभी हम अगली पत्ती अपनी बनाते हैं। इसमें भी कॉमन एस है, तो एस हम सबसे पहले बनाएंगे। हमारी ये एक पत्ती तैयार हो गई है। जस्ट इसके विपरीत भी हम तीन पत्तियों से बनी हुई एक पत्ती और बनाएंगे। ये हाफ सर्कल बनाया हुआ है नीचे साइड। अब इसमें इस तरह हमारी ये डिजाइन भी पूरी हो गई है। अब हम इसमें सेट देंगे और इसको हम सेट को बाद में आखिरी में करेंगे इसके। अच्छा, इसमें भी हमारी एस बना लिया पहले हमने, जो नई पत्ती बना रहे हैं, और थोड़ा सा ऊपर से गोल घुमा दिया। इस तरह ये पत्ती भी कंप्लीट हो गई है। मामूली बदलाव से तरह तरह से कैसे पत्तियां बनती हैं। फिर से हमने एस बनाया। अब हम नीचे से एक घुमावदार लाइन ले जाएंगे। इसमें भी हम तीन पत्तियां आपस में जोड़ देंगे। ये पत्तियां सेटेड पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसलिए मैंने सेट दिया हुआ। सेट कैसे दिया जाता है मैं आगे भी अपने अगले वीडियोस में बताऊंगी। सेडेड मेहंदी में ये पत्तियां बहुत ही जगह यूज होती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। रचने के बाद इन पत्तियों का हाथों में बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है। बारीक बारीक लाइनों से हमें इन्हें सेट देनी है, इन पत्तियों को। अब हम इस पत्ती को भी सेट करेंगे।
पत्तियों को भरा है। तो अब हमारी ये जो बची हुई पत्ती है इसे भी हम सेट देंगे। बारीक बारीक लाइनों से हमको देना है, जितनी बारीक लाइनें होंगी उतनी खूबसूरती से शहद आएगा। इस पत्ती को हम पूरी तरह से मेहंदी से भर भी सकते हैं, ये भरवा मेहंदी में बहुत सुंदर लगती है। तो डे 3 में बस आज इतना ही। इन पत्तियों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, तो अगली पत्तियों के साथ मिलेंगे हम डे 4 में। तो ये था हमारा डे 3। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आगे ऐसी ही वैरायटी ऑफ आर्ट सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट आर्ट।